जगह से सृष्टि का नियंत्रण होता है, अनावृष्टि, ज्यादा बारिश, अकाल में पहनावा है जूट जैसे दिखता है, मेरे पीछे भी वीडियो हमने बनाया था, काफी सवाल था कि बाबा जी क्या पहनते हैं, थोड़ा इस पे बता देते। हाँ, मैं ये जूट का कपड़ा है, इसको बोला जाता है बोड़ी, कोई बोलता है टाट, तो ये बोड़ी है। हाँ, ये बोड़ी आलू भरने वाला बोड़ी। मैं हिंदू धर्म के ऊपर कई लोग टिप्पणी कर देते हैं कि कितना देवता का पूजा कर, बागेश्वर धाम वाले जो महात्मा है अच्छे है, धर्म के प्रति उनकी भाव है, लेकिन बहुत से लोगों को गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। मोबाइल से, टीवी से सब संस्कार खराब हो रहे हैं, और सबसे बड़ा बॉलीवुड वाले सबको खराब कर दिए। बॉलीवुड से जितने भी संस्कार बिगड़े हैं, ये छोटे छोटे कपड़े पहनना एक आज सीखे है, फिल्म देख रहे लोग वही सीख रहा है। तो अभी रोहतास जिले के बसडीहा गाँव है और यहाँ पर श्री राम यज्ञ हो रहा है, सूर्य भगवान नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें यज्ञ हो रही है और महान साधु संत आए हुए हैं। कुछ साधु संत महात्यागी जी हैं जिनको पूरा जिला ही नहीं पूरा विश्व जानता है और उनके दर्शन के लिए ललचाता रहता है। हम परिचय जानेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी कि क्या नाम है उनका और क्यों उनके मात्र दर्शन के लिए लोग दूर दराज से, जिलों से, दूसरे राज्यों से आते हैं और क्या उनमें शक्ति है कि लोग उनका गुणगान करते हैं। बाबा पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जय श्री राम। अपना परिचय बाबा जी पहले। मेरा नाम विष्णुदास महात्यागी जी है, मैं अयोध्या से हूँ, मैं नेपाली बाबा के शिष्य हूँ, मेरा जन्म स्थान महाराष्ट्र का है। मैं महाराष्ट्र से यहाँ बिहार में इसलिए आता हूँ कि यहाँ के बहुत से लोग हमको बहुत मानते हैं और मैं यहाँ कम से कम 15 से 16 जग करा चुका हूँ 10 साल के अंदर में। एक मिनट बाबा जी, क्या कारण रहा है कि मात्र दर्शन के लिए आप महाराष्ट्र आए हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल से लोग आते हैं और जहाँ तक मुझे पता है इस क्षेत्र में जितनी भी जगह होती है ज़्यादातर नेतृत्व आप ही करते हैं, है ना? मेरा प्रभाव है भजन का, मैं लोक कल्याण के लिए जग करता हूँ। जगह से सृष्टि का नियंत्रण होता है, अनावृष्टि, ज़्यादा बारिश, अकाल नहीं पड़ता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है वहाँ भगवान नियंत्रित करते हैं, इसलिए जग किए जाते हैं। यज्ञ से माध्यम से ही अन्न की निर्मित होती है, अन्नात भवंती भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समद्भव। तो भगवान की ही प्रथा बनाया है यज्ञ की। तो भगवान कह रहे कि अर्जुन कि समस्त प्राणी अन्न से सबकी निर्मित है और अनाज जो है ये अनाज जल से अनाज की उत्पत्ति है और जब यज्ञ होगा, यज्ञ पर्जन्य हो तो पर्जन्य होता है, तो धरती जब तप जाती है तो मेघ राजा को आदि देती है कि मेघ राजा तुम बरसो। जैसे आदमी खाना खाता है तो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वैसे ही जब धरती जब भोजन करती है हवन द्वारा, हविष्यान्य द्वारा, तो वो पानी के लिए जल तत्व उधर मेघ राजा को आदेश देती है, इसलिए धरती पर बारिश होती है। एक सवाल होगा मेरा बाबा जी कि वर्तमान समय में ज़्यादा जो लोग पढ़े लिखे गए हैं जो यज्ञ पर सवाल उठाते हैं कि फिजूल खर्ची है, 50 लाख के खर्च हो जाते हैं, यज्ञ से कुछ नहीं होता है, अगर यहीं स्कूल बनाया जाए, अस्पताल बनाया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो उनके लिए आपका क्या जवाब है? शिव पुराण में आया है तो भगवान महादेव ने कहा है जब भी संसार के ऊपर कोई महामारी आएगी या कोई आपत्ति आएगी तो हवन से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि अग्नि भगवान का मस्तक है। जैसे राम रामाय स्वाहा तो राम को प्राप्त होगा, ओम दुम दुर्गाय नमः दुर्गा को प्राप्त होगा। तो प्रत्यक्ष देवता जो है अग्नि द्वारे ही हवन ग्रहण करते हैं। ये अनादिकाल से यज्ञ हो रहा है, आज थोड़ा हो रहा है। जब सृष्टि की निर्माण हुई तो ब्रह्मा जी ने कि मैं कौन हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा बोले हम कौन है, ब्रह्मा ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। हे भगवान बोले हे ब्रह्मा तुम मेरे पुत्र हो, अब तुम एक काम करो, तुम प्रयज्ञ करो, मतलब दूसरे के लिए यज्ञ करो। तो पहला यज्ञ प्रयाग में हुआ था, तो वहाँ से यज्ञ हुआ, जग से सृष्टि की निर्मिति हुई है। यानी कि यज्ञ समय समय पर होना चाहिए। हाँ, यज्ञ समय समय पर होना चाहिए। और बिहार जग भूमि है, यहाँ एक नंबर जितने भी राष्ट्र है तो बिहार को एक नंबर माना जाता है। यहाँ हर गांव में, हर देहात में जग होता है। बिहार के लोग भी बहुत नियम करते हैं, हम देखते हैं बहुत स्वच्छता से लोग रहते हैं बिहार में भी। हम देखते हैं महाराष्ट्र में तो लोग गिलास को मुंह लगाकर पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ सब लोग ऊपर से पानी पीता है। हर घर नियम है, जूठा को यहाँ बहुत लोग मानता है, इसलिए यह स्वच्छता पवित्रता है, इसलिए भगवान प्रसन्न है, इसलिए यह यज्ञ होता है। आपके जेहन में जो सवालों का जवाब था यज्ञ के प्रति, बाबा ने उत्तर दिया कि यज्ञ से क्षेत्र का विकास होता है, बारिश होती है, धन उपार्जन होती है। तो जो इनके सवाल था कि यज्ञ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बखूबी बाबा ने उत्तर दिया। बाबा जी मेरा एक सवाल है, जो आपके ये पहनावा है जूट जैसे दिखता है, मेरे पीछे भी वीडियो हमने बनाया था, काफ़ी सवाल था कि बाबा जी क्या पहनते हैं, थोड़ा इस पर बता देते। हाँ, मैं ये जूट का कपड़ा है, इसको बोला जाता है बोड़ी, कोई बोलता है टाट,
तो ये बोड़ी है। हाँ ये बोड़ी आलू भरने वाला बोड़ी है, साधारण बोड़ी है। हाँ ये साधारण ही है। तो ये बोली है, ठीक है, थोड़ा विशेष में है ये बोड़ी, ये संतोखली बनाया जाता है स्पेशल। तो हमारा चौथी पांचवी पीढ़ी चल रहा है बूढ़ी का, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव थे बगई बाबा। तो बगई बाबा बूढ़ी धारण करते थे, तो उनके गुरुजी थे रामकृष्ण दास जी ऋषिकेश में, वो भी बूढ़ी धारण करते थे। मेरे गुरुजी नेपाली बाबा, वो भी बूढ़ी धारण करते हैं। बूढ़ी से क्या है, आदमी को तपस्या के फल मिलता है, ये घास घूस में आता है। माता सीता ने रामायण में घास उठा दिया और पर्दा कर दिया था रावण को कि ये दुष्ट रावण तुम जो हो, तुम जुगनू की तरह हो, मेरे जो राम है सूर्य की तरह, प्रकाश की तरह है। तो माता ने पर्दा उठा दिया, उसको अभिमंत्रित कर दिया। वही एक बार महाभारत में जब युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने वही कचरा उठा लिया और अभिमंत्रित कर दिया और पांडव पर छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र बनकर। एक बार श्री राम प्रभु जी चित्रकूट में बैठे थे, तो कौवा ने जब चोंच मारी माता के चरणों में, खून बहने लगा, तो भगवान ने संधान किया घास का ही। तो घास का ही संधान किया तो भगवान ने कौवा की एक आग फोड़ दी, वो जयंत था। कि ये घास फूस ही सब कुछ है। हाँ। अंत भी है, शुरू भी है, खत्म भी है, सब कुछ है। हाँ ये हमारे लिए है, हमारा हम दिगंबर अखाड़े से है, तो हमारे लिए तपस्या है ये। क्योंकि भरत भी इसी भेष में रहकर तपस्या की है। जटा जूट सिरी मुनपट धारी मैखनिक सातरी सवारी आसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेमा। भरत जी खड्डा खोद के जमीन में कुसा बिछा कर उसमें सोए और गऊ के पिशाब में जव को उबाल कर 14 साल का खाए भरत। तो भरत भी इसी भेष में रहे, भरत भी घास घूस के कपड़े पहने, जटा बनाए और आसन बासन नेमा, ऋषियों की तरह वो तपस्या किए। वही मेरी तपस्या है। यानी कि बाबा जी जो ये जो पहनावा है, कपड़ा है, आप दूसरा नहीं पहनते? जैसे हम लोग पहनते हैं जींस टी शर्ट या जो गेरुआ रंग के पहनते हैं, वैसे कपड़ा धारण नहीं करते? नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं घास घुस में रहता हूँ। मेरा लंगठी भी घास की है, मेरे कपड़े भी, मेरा जनों का ये भी घास में रहता ही है, जो कंठी है इसको शैली बोला जाता है, ये भी घास की है। यानी कि आप पूरी तरह प्रकृति के अधीन है? हाँ, मैं पूरा प्रकृति तरह, श्री राम प्रभु जैसे जैसे तपस्या की है वैसे मैं भी तपस्या करता हूँ। श्री राम प्रभु तो 14 साल का वनवास था, मैं तो अजीवन वनवास ले लाऊ 100 साल तक, जितना आयु रहेगा उसी बेस में रहेंगे तपस्या में। वर्तमान समय में हिंदू धर्म के ऊपर कई लोग टिप्पणी कर देते हैं कि कितना देवता का पूजा करवा, कहाँ कहाँ यज्ञ में जाइबा, लोग भटकाते हैं। आज आप देखे होंगे कि कोई धर्म पर उंगली नहीं उठाता है, हिंदू धर्म पर लोग ज़्यादा उठाते हैं। उनके लिए क्या अपील है, जो कि अपने आप में बन, वर्तमान समय में बहुत सारे धर्म परिवर्तन भी हुए हैं, लोग क्रिश्चियन अपनाए हैं या अन्य धर्म को अपनाए हैं, उनके लिए क्या अपील है जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को? अच्छा, हिंदू धर्म जो है भावना प्रधान है, सभी देवी देवता को मानता है। इतना नहीं, हम देखे पंजाब में मस्जिद मंदिर में भी जाता है लोग। बात ऐसा है कि देवता होते हैं कि 13 करोड़ के मतलब है प्रकार, 13 प्रकार के देवता होते हैं, करोड़ नहीं। अब देवता जो 13 करोड़ हो जाएंगे तो धरती पर जगह नहीं रहेगी। करोड़ मतलब प्रकार, 13 प्रकार के देवता है। और मुझे एक पता है कि आकाशा तुम पतितम तो यम यत्ता गच्छमि सागरम। तो स्वामी परमहंस स्वामी विवेकानंद कहे कि हे विवेकानंद, जब आकाश से बारिश होती है वही नाला नदियाँ में चलकर समुद्र में चली जाती है। तो ईश्वर एक है, नदियाँ घाट अनेक है, गंगा एक है, गहने अनेक है, सोना एक है, किरण अनेक है, सोना एक है, दिए अनेक है, प्रकाश एक है, ईश्वर एक है, सभी प्राणियों में है। अब जिसका जहाँ भाव है वो भाव में लोग जा रहा है। भगवान बोलते जो भी ए था माम प्रपदंते स्तामस्य भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य सर्वशः। गीता की वाणी है, भगवान बोलते जो जिसको मुझे सो भजे, मैं सब में हूँ, मैं सब धर्म में हूँ, मैं राम भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी, सब में हूँ। लेकिन मनुष्य को अपना अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सभी धर्म आपने जगह पर ठीक है, सभी धर्म आपने जगह ठीक है, लेकिन हर इंसान को अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए, अपना धर्म रहना चाहिए। हाँ, अपना धर्म रहना चाहिए। बिहार है और खासकर पर यहाँ धर्म की बातें होती रहती हैं, और फिलहाल में बागेश्वर धाम के बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं और उनके आने से ही भूचाल आ गया है। कहते हैं कि उनके आने से समुदायों में बिखराव आ जाता है, हिंदू धर्म को लेकर के ज़्यादा उत्तेजित बोलते हैं और विवाद आ जाएगा। तो क्या लगता है, आप कुछ बागेश्वर बाबा धाम के बारे में बताएंगे? बागेश्वर धाम वाले जो महात्मा है अच्छे हैं, धर्म के प्रति उनकी भाव है, लेकिन बहुत से लोगों को गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के प्रति उनका भी भाव है, वो भी चलते हैं कि सब में ईश्वर है। लेकिन जब आ रहे हैं तो उनको मेरा यही कहना है कि मतभेद ना करें,
पर उनके आने से तो पहले ही विवाद खड़ा हो गया कि वो आएंगे तो दो समुदाय में लड़ा देंगे, चार समुदाय में लड़ा देंगे, वो ऐसा ऐसा करने लगे। तो मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में अपने अपने धर्म को सबको स्वाभिमान है। ये बिहार है, बिहार में सभी लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे में रहते हैं, एक दूसरे को धर्म को मानते हैं। इसलिए विवाद कराना ये अज्ञानता है कि किसी विवाद करने से कोई हटने वाला नहीं है। सभी भारत में जन्म लिए हैं तो सब भारतवंशी है, भारत के वासी सभी लोग हैं। तो इसमें यही मेरा आएंगे तो उनका स्वागत है ना। हाँ, मेरा हिसाब उनका स्वागत करना चाहिए, और उनको भी यही विनती है कि वो भी विवाद वाला कोई शब्द ना निकाले। इससे क्या है, वित्त हानि होती है, आपस में लोग लड़ जाता ना होता है। इसमें लड़ने से हिंदू धर्म पीछे हो जाता है, भारत पीछे चला जाता है, जात विवाद होता है। इसलिए सभी अपन सब एक है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि सभी एक ही लोग है, सभी हिंदुस्तान में सब हिंदू है। कहते हैं कि भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, और यहाँ के जो युग है साधु संत होते हैं पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और उन्हीं के दम पर बोले तो पूरे विश्व चल रहा है। एक सवाल होगा बाबा जी कि कुछ शब्द जो है छोटी भाषा में आप बोलें हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, कि लोगों का विश्वास बढ़े और हिंदू धर्म के प्रति उनका प्रेम और आस्था हमेशा बने रहे। ये धरती 88,000 ऋषियों की उत्पत्ति है। हर इंसान का गोत्र ऋषि से लगता है, इसलिए अपन ऋषि मुनि संतान है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि है हर गांव, हम भारत के रहवासी है, संतों की संतान है। तो इसलिए हर इंसान जो है ऋषि मुनि से उसकी उत्पत्ति है। इसलिए हर इंसान को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और मनुष्य को अपना शरीर ढके ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। हर घर में रामायण महाभारत का बच्चों को पाठ देना चाहिए। मोबाइल से टीवी से सब संस्कार खराब हो रहे हैं, और सबसे बड़ा बॉलीवुड वाले सबको खराब कर दिए। बॉलीवुड से जितने भी संस्कार बिगड़े हैं, ये छोटे छोटे कपड़े पहनना ये कहाँ से सीखे है, फिल्म देख रहे लोग वही सीख रहा है। लेकिन माता पिता के ऊपर है मदर प्लान, माता पढ़ी लिखी है, माता को ऊपर है संस्कार कैसे चलाना बच्चों का। तो इसलिए हर इंसान को अपने घर में माता पिता को संस्कार देना चाहिए बच्चों के लिए, नहीं तो आगे जाके बहुत संस्कृति खराब होगी। यज्ञ हो रहे हैं और 18 तारीख पूर्ण होती है, और आप भी 18 तारीख रुकेंगे, जो यज्ञ में नहीं आए हैं जो दर्शन मात्र आपको सोच रहे हैं उनके लिए क्या अपील है? जो यज्ञ में आते हैं उनका तो कल्याण है, लेकिन नहीं भी आते हैं तो वहाँ तक अगर उनको धुनी सुनाई देती है, वहाँ का अग्नि में जो निकलता है हवा धुआ उस वायुमंडल चले जाते, उसका भी कल्याण है। और 18 तारीख को भंडारा है, विशेष अयोध्या से नागाजी आ रहे हैं, नेपाली बाबा के शिष्य हमारे गुरु भाई, उनका भी स्वागत है, और बहुत से संत मत में आएंगे। यह कम से कम 1,000 साधु का आवागमन है, और कम से कम यह विदाई में 5,00,000 रुपये साधु को विदाई होगी, धूमधाम से भोजन प्रसाद होगा। हम बात कर रहे थे महान त्यागी श्री विष्णुदास महाराज जी से, और इन्होंने चंद ही शब्दों में उन सारे चीज़ों के सवालों का जवाब दिया जो आपके जहन में चल रहा हो, या जग का मामला हो, हिंदू धर्म का मामला हो, सनातन धर्म का मामला हो। तो मैं अपील करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप आएँ, बाबा के जो साधारण वेशभूषा देख रहे हैं वो आज सुबह में भी यही है, दोपहर में भी यही है, और रात को भी यही है। 24 घंटे या नहीं पूरे जीवन बाबा ने बताया कि इसी तरह जीते हैं, तो कोई चकाचौंध नहीं है। जो माथे पे चमक है वो आप देख रहे हैं, वो ललाइत है और प्रकाशमय है, और इनके मात्र दर्शन के लिए मैं कैमरामैन को दिखाइए, मात्र भीड़ लगी हुई है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। मैं कैमरामैन को कि भीड़ को दिखाइए जो बाबा के दर्शन के लिए कोई बात नहीं।